हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम प्रिंस एंड टुडे आई विल डिस्कस अबाउट द क्लिनिकल एनाटॉमी ऑफ स्काल्प। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो स्काल्प की क्लिनिकल एनाटॉमी में हमें जो पहले देखना है वो हमें क्या देखना है, सीबेसियस सिस्ट। अब ये सीबेसियस सिस्ट देखने में कैसा दिखता है, इसके लिए मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ। सो सीबेसियस सिस्ट जो है हमें कुछ ऐसा देखने को मिलता है। तो जो हमारा स्काल्प होता है उसमें ना बहुत सीबेसियस ग्लैंड, बहुत सारे सीबेसियस ग्लैंड होते हैं। इस वजह से ये हमारा कॉमन साइट होता है सीबेसियस सिस्ट का, और ये हमारा कुछ इस तरीके का दिखता है। सो इसमें हमारा पहला पॉइंट क्या है, बिकॉज ऑफ द अबेंडेंस ऑफ सीबेसियस ग्लैंड स्काल्प इज अ कॉमन साइट ऑफ सीबेसियस सिस्ट। वाउंड ऑफ द स्काल्प ब्लीड प्रोफ्यूजली बिफोर द वेसल आर प्रिवेंटेड फ्रॉम रिट्रैक्टिंग बाय द फाइब्रस फेशिया, ब्लीडिंग कैन बी अरेस्टेड बाय अप्लाइंग द प्रेशर एट द साइट ऑफ द इंजरी बाय द टाइट कॉटन बैंडेज अगेंस्ट द बोन। तो हमारे जो स्काल्प में बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं, इसीलिए कोई भी इंजरी होती है तो बहुत ब्लड जो है निकलने लगा, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, और उसको रोकने के लिए हमें क्या करना होता है, हाँ उसको रोकने के लिए हमें बस क्या करना है, बहुत टाइट से हमें क्या करना है, एक टाइट कॉटन बैंडेज अगर हम लगा देते हैं तो जो ब्लीडिंग हो रही है वो रुक जाती है अगर प्रेशर अप्लाई कर दिया जाए तो। और तीसरा पॉइंट हमारा इसमें क्या है, द डेंजरस एरिया ऑफ स्काल्प। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि डेंजरस एरिया ऑफ स्काल्प क्या होता है। सो द लेयर ऑफ लूज एरियोलर टिश्यू, द लेयर ऑफ लूज एरियोलर टिश्यू इज नॉन एज डेंजरस एरिया ऑफ स्काल्प, इज नॉन एज डेंजरस एरिया ऑफ स्काल्प। सो डेंजरस एरिया ऑफ स्काल्प क्या होता है, कि लूज एरियोलर टिश्यू की जो लेयर है, लूज एरियोलर टिश्यू की जो लेयर है उसे हम क्या बोलते हैं, डेंजरस एरिया ऑफ स्काल्प। क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहीं पर जो हमारी एमिशनरी वेन होती है वो हमारी कनेक्ट करती है, हमारी एमिशनरी वेन क्या करती है, हमारी एक्स्ट्रा क्रेनियल वेन्स को इंट्रा क्रेनियल वीनस साइनस से कनेक्ट करती है। तो ये जो एमिशनरी वेन होती है इट कोर्स हियर एंड मे ट्रांसमिट द इंफेक्शन फ्रॉम स्काल्प टू द क्रेनियल वीनस साइनसिस। तो जो हमारी इंट्रा क्रेनियल वेन्स है उसके अंदर, इंट्रा क्रेनियल वीनस साइनसिस है उसके अंदर ये जो है हमारा इन्फेक्शन फैला सकती है, क्योंकि यहीं से ये एमिशनरी वेन जो है पास करती है और ये स्काल्प में अगर जो भी इन्फेक्शन है उसको जो है ये ट्रांसमिट कर सकती है क्रेनियल वीनस साइनसिस के अंदर। तो इसीलिए जो हमारी लूज एरियोलर टिश्यू होती है उसे हम क्या बोलते हैं, डेंजरस एरिया ऑफ स्काल्प। The layer of loose areolar tissue is known as dangerous area of scalp because of the emissionary veins which course here and may transmit the infection from the scalp to the cranial venous sinuses. The collection, अब हमारा आखिरी पॉइंट क्या है, The collection of the blood in the layer of loose areolar tissue causes generalized swelling of the scalp and the blood may extend anteriorly into the root of the nose and into the eyelid causing resulting in black eye. So इस वजह से black eye भी देखने को मिलती है अगर कोई head injury होती है तो। तो इसके अंदर हमने कुछ points देखे, एक बार फिर से हम पूरा summarize कर देता हूँ। पहले point में हमने देखा सीबीसीएस सिस्ट के बारे में। तो जो हमारा स्काल्प होता है उसमें बहुत सारे सीबीसीएस ग्लैंड देखने को मिलते हैं, इसीलिए कॉमन साइट होता है सीबीसीएस सिस्ट का, और अगर कोई भी इंजरी हो जाए तो बहुत सारा ब्लीडिंग होने लगती है, क्योंकि ये हमारी रिट्रैक्ट नहीं कर पाती, क्योंकि इसको प्रिवेंट करता है, प्रिवेंटेड फ्रॉम रिट्रैक्टिंग बाय द फाइब्रस फेशिया। इस वजह से जो ब्लीडिंग है बहुत प्रिफ्यूजली होती है अगर कोई भी इंजरी होती है, और उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं, कैसे रोकेंगे, बाय अप्लाइंग द प्रेशर एट द साइट ऑफ इंजरी बाय द टाइट कॉटन बैंडेज अगेंस्ट द बोन।
तीसरा पॉइंट हमने देखा डेंजरस एरिया ऑफ स्कॉल्स, द लेयर ऑफ लूज एरियोलर टिश्यू इज नॉन एज डेंजरस एरिया ऑफ स्कॉल्स एंड बिकॉज ऑफ द एमिशनरी वेन्स विच कोर्स हियर मे ट्रांसमिट द इन्फेक्शन फ्रॉम द स्कॉल्प टू द क्रेनियल वीनस साइनेसिस। इसीलिए इस एरिया को हम क्या बोलते हैं, डेंजरस एरिया ऑफ स्कॉल्प, जो कि हमारी क्या है, लेयर ऑफ लूज एरियोलर टिश्यू। एंड आखिरी पॉइंट हमने क्या देखा, द कलेक्शन ऑफ द ब्लड इन द लेयर ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू कॉजेज द जनरलाइज स्वेलिंग ऑफ द स्कॉल्प एंड द ब्लड मे एक्सटेंड एंटीरियरली इन टू द रूट ऑफ द नोज एंड इन टू द आईलेट कॉजिंग रिजल्टिंग इन द ब्लैक आई। सो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट हुआ। मिलते हैं ऐसी एक नई वीडियो के साथ, तब तक खुश रहें, मस्त रहें, जय हिंद।